सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाओ। दिसंबर आ गया, अब मैंने पूरे साल किया क्या? सो गाइस, अगर आपने भी मेरी तरह 2017 टीवी सीरीज, फिजेट स्पिनर्स और ऐसे तमाम चीज़ों के साथ ख़त्म कर दिया और अभी सोच रहे हैं कि 2017 आखिर इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया, तो वेल उसको भी रहने देते हैं और बात करते हैं कि 2017 में आखिर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कार्स जो है हमारे कंट्री में लॉन्च हुए। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप देखते हैं कि कौन कौन से वो कार्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्चेस थे इस साल के, और उन्हीं के बारे में जो है आज इस वीडियो में थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों 2017 के इंपॉर्टेंट कार लॉन्चेस की तरफ हम लोग एक बार फिर से नजर डालते हैं। सो लेट्स रिवाइंड। व्हाट्स हैपनिंग गाइस? तो गाइस 2017 को निकलने में टाइम नहीं लगा, लगा जैसे अभी जनवरी आया और अभी दिसंबर आ गया। तो इस पूरे साल में आपने क्या किया, हमने क्या किया, ये तो हम अपना एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन इस पूरे साल में ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ नया हो गया। पॉपुलर कार्स के फेसलिफ्ट्स आए, कुछ बिल्कुल ही नए मॉडल्स आए, कुछ ऐसे कार्स जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो भी फाइनली इंडिया में आ गए। उन्हीं सारे लॉन्चेस का जो है रिकैप देखते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कार्स तो बहुत सारे लॉन्च हुए और उन सारे कार्स का एक एक करके रिकैप करना शायद इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने कुछ 5 ऐसे कार्स लिए हैं जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्चेस थे इस साल के, और इसीलिए जो है मैंने इस वीडियो में उनको मेंशन किया है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं तकरीबन 20 लाख तक की कार्स के बारे में ही बात करूंगा, और इन 5 कार्स में जो है प्रीमियम कार्स के बारे में मैंने इस वीडियो में जो है मेंशन नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली कार के बारे में जो मुझे खासा बहुत पसंद आया था 2016 के ऑटो एक्सपो में जो है उसको पहली बार दिखाया गया था। और कॉम्पैक्ट सेडान्स में दोस्तों ये जो एक कार है बहुत ही बढ़िया दिखता है करती। अब दोस्तों इस कार को जो है कंपनी जो है स्टाइल बैग के नाम से ज़्यादा प्रेफर करती है नेम करना। तो वेल मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाटा की टिगोर के बारे में। तो दोस्तों टाटा टिगोर जो है टाटा का एक काफ़ी एम्बिशियस कार है। अगर आप उसको एक झलक देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो स्टाइलिश कार दिखेगा। वैसे तो वो बेस्ड है टाटा के टियागो हैचबैक पे, लेकिन जो उसका स्वूपिंग रूफ लाइन है और एक कॉम्पैक्ट सेडान के स्पेस में दोस्तों मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन कार जो है एज पर माई पर्सनल ओपिनियन मुझे वो लगता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो आपको स्पेसिफिकेशंस जो है सेम टू सेम वही दिखेगी जो कि आपको टाटा के टियागो हैचबैक में दिखता है। इसमें दोस्तों आपको वही 1.2 लीटर रेवोट्रॉन और 1 लीटर का जो है रेवोटॉर्क इंजन देखने को मिल जाएगा। अच्छी ड्राइव क्वालिटी है, काफ़ी नए फीचर्स जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, हार्मन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अच्छे नए फीचर्स जो है टाटा ने इस कार में दिया है। तो भी जो और हाल फिलहाल में ही टाटा ने जो है इसका AMT वर्जन भी इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या ओपिनियन है टिगोर के स्टाइलिंग के बारे में। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्च था और अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इस कार के बारे में। अब जो कार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ये कार पसंद आती है। इस साल जो है कंपनी ने इसको अपने बिल्कुल ही नए अवतार में लॉन्च किया। तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर, या फिर अगर हम कहें मारुति सुजुकी डिज़ायर कॉम्पैक्ट सेडान के बारे में। दोस्तों डिज़ायर जो है एक बहुत ही पॉपुलर कार है और इस साल जो है बिल्कुल ही नए अवतार के साथ जो है मारुति ने इस कार को जो है इंडिया में लॉन्च किया। ये कार जो है दोस्तों स्विफ्ट हैचबैक से भी पहले जो है लॉन्च हुई है। स्विफ्ट हैचबैक जो है 2018 में हमारे कंट्री में आ जाएगा, यानी कि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, स्विफ्ट का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 2018 में जो है हमारे कंट्री में आ जाएगा, और उसी पे बेस्ड जो डिज़ायर कॉम्पैक्ट सेडान है वो जो है 2017 में फाइनली हमारे कंट्री में आ गया। ये दोस्तों तकरीबन वही अप्रैल मई के आसपास लॉन्च हुआ था कंट्री में, और तब से लेकर अभी तक जो है इसकी रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, काफ़ी लोगों ने इसको बुक किया, और आपको जो है अब डिज़ायर के नए वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा रोड पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ही थरली अपडेटेड कार है, नए इंटीरियर्स के साथ आता है, वही प्रोवेन इंजन्स के साथ आता है,
अब दोस्तों ये पिछले वाली डिज़ायर से बड़ी भी है, अच्छी राइड क्वालिटी, अच्छी ड्राइव क्वालिटी, नए फीचर्स, नए लुक्स के साथ जो है डिज़ायर आपको मार्केट में मिल जाएगा। और पिछले जनरेशन से नई वाली डिज़ायर जो है थोड़ी बड़ी भी है, रूमियर भी है और कंफर्टेबल भी है। तो ये दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च था मेरे ख्याल से 2017 का। अब दोस्तों जो तीसरी कार जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार लॉन्च थी इस साल की, वो है टाटा की नेक्सॉन। अब दोस्तों नेक्सॉन के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे नेक्सॉन की बात करूँ तो नेक्सॉन की डिज़ाइन स्टाइलिंग बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी फर्स्ट इन क्लास फीचर्स के साथ आता है, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग कार है और अच्छे इंजिन्स के साथ आता है। नेक्सॉन की राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा दोस्तों नेक्सॉन जो है ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा स्टेप अप है टाटा मोटर्स के लिए, काफ़ी अच्छा ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैकेज है विद गुड फीचर्स, गुड राइड क्वालिटी, अच्छे इंजिन्स के साथ। तो दोस्तों ये जो है तीसरी इंपॉर्टेंट कार थी जो मुझे लगता है कि इस साल लॉन्च हुआ। दोस्तों मेरे ख्याल से जो चौथी इंपॉर्टेंट लॉन्च है वो है ह्यूंडई की वर्ना। दोस्तों ह्यूंडई की वर्ना जो है इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर सेडान है, डायरेक्टली कम्पीट करता है होंडा की सिटी, मारुति सुजुकी के सियाज को और इसके अलावा और भी जो इस सेगमेंट के सेडान्स हैं। अब दोस्तों इस साल ह्यूंडई ने जो है अपना बिल्कुल ही नया वर्ना लॉन्च किया, बिल्कुल ही नए डिज़ाइन के साथ आता है, एक्सटीरियर्स के भी और इंटीरियर्स के साथ भी अच्छी राइड, ह्यूंडई की राइड क्वालिटी तो हमेशा अच्छी रही है और जो इंजिन है वो तो आपने देखा ही होगा कि प्रोवन और ट्रस्टेड इंजिन है। इस तो दोस्तों इस साल जो वर्ना आई वो कि पिछले वर्ना से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, कई फर्स्ट इन क्लास फीचर्स जो है ह्यूंडई ने लॉन्च किए इस कार के साथ, और मुझे लगता है कि इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्चेस जो है ह्यूंडई की वर्ना रही है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ह्यूंडई वर्ना की ओवरऑल स्टाइलिंग कैसी लगती है और आपके क्या ओपिनियन है ह्यूंडई वर्ना के बारे में। मुझे तो पर्सनली ह्यूंडई वर्ना काफ़ी पसंद आती है और नया वाला अपडेट जो है मुझे लगता है कि इस चीज़ उस गेम को और भी आगे लेके गया है। पांचवी कार है वो इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग लॉन्चेस थी मेरे ख्याल से। आपने इस कार को जो है जरूर देखा होगा और ये जो है एक एसयूवी है। इसको अगर अभी भी आप इस कार को गेस नहीं कर पाए तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जीप की कंपस के बारे में। दोस्तों जीप कंपस जो है बिल्कुल एक बेबी ग्रैंड शेरोकी लगता है और मुझे लगता है कि ये कार जो है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग लॉन्च थी। ट्रू ब्लू अमेरिकन एसयूवी है, काफी पोटेंशियल है इस कार में। हाँ, थोड़ी एक चीजें आपको शायद यहाँ पे कम देखने को मिल जाएंगी जैसे कि सनरूफ या फिर ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह, लेकिन अगर हम इस कार के एक्चुअल पोटेंशियल की बात करें तो दोस्तों ये कार जो है वन ऑफ द मोस्ट केपेबल एसयूवीज है करेंटली इस मार्केट में। और जिस प्राइस टैग के साथ जीप ने इस कार को इंडिया में लॉन्च किया, मुझे लगता है कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है उस रेंज में। और दोस्तों इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे बेहतरीन लुक्स देख के साथ 4x4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाएगा, केपेबल इंजन के साथ आता है और जो है ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया और केपेबल पैकेज जो है जीप ने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो थी पांच इंपॉर्टेंट लॉन्चेस थी मेरे ख्याल से। तो पहला जो था दोस्तों वो थी टाटा की टिगोर, दूसरा जो है मारुति सुजुकी डिजायर, उसके बाद आता है टाटा का नेक्सॉन, ह्यूंडई की वर्ना और जीप का कंपस। दोस्तों ह्यूंडई वर्ना के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप जाके उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये तो बात हो गई पांच इंपॉर्टेंट लॉन्चेस की जो कि 2017 में हुए। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन पांचों में से कौन सी कार जो है सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा दोस्तों रेनो की कैप्चर, फोर्ड की इकोस्पोर्ट का अपडेटेड वेरिएंट, एस क्रॉस का अपडेटेड वेरिएंट और भी जो है बहुत सारे नए कार्स जो है इंडिया में 2017 में लॉन्च हुए। अब क्योंकि मैं उन सारे कार्स के बारे में एक वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगा तो इसी वजह से जो है मैंने अपने 5 कार्स जो मुझे लगता है कि इस साल के काफी इंपॉर्टेंट लॉन्चेस में से एक थे जो है यहाँ पे इस वीडियो में आपसे शेयर किया। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव के दुनिया से ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। जाने से पहले दोस्तों जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट्स व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।